आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मिले निर्देशों के बाद रीवा जिला प्रशासन पुलिस के साथ आखिर मैदान पर उतरा और चंद घंटे के अंदर ही पुलिस और प्रशासन ने मिलकर पटाखा कारोबारी पर नकेल कस दी। पुलिस और प्रशासन ने रीवा शहर के कई स्थानों पर पटाखा व्यापारियों के यहाँ एक साथ दबिश देकर जहां एक ओर भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया है, वहीं दूसरी ओर गैर कानूनी तरीके से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा स्टोर किए जाने सहित बिक्री किए जाने का भी खुलासा किया है। इस दौरान कार्रवाई कर रही टीम को एक ऐसा विस्फोटक मिला है जिससे सोडियम नाइट्रेट मिलकर बड़ा विस्फोटक बनाया जा सकता है और किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब्त कर लिया है, साथ ही संबंधित व्यक्ति को भी थाने ले जाया गया है जिससे इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि आज किस कार्रवाई के बाद पटाखे के इन अवैध कारोबारी सहित विस्फोटक रखने वाले व्यापारी पर किस स्तर की कार्रवाई होती है, या पूर्व की तरह ही एक बार फिर यह कार्रवाई महज दिखावा तक ही सीमित रह जाती है। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई है। लगभग आधा दर्जन दुकानों पर जांच कार्यवाही की गई मौके से, और जहां पर कुछ दुकानों में जो है बम पटाखा भंडारण के रूप में पाया गया रहवासी और कमर्शियल एरिया में, अभी उसको लेकर के कार्यवाही जारी है। हाँ, अभी एक सिंधी चौराहे में दुकान पर सौदागर ट्रेडर्स के यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल मिला हुआ है, ऐसी संभावना है कि वो विस्फोटक पदार्थ है। अभी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे बुला करके जांच कराई जाएगी, जैसे भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी उसमें ऐसे प्रस्तावित की जाएगी।